देश के युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन देने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। इसी कड़ी में इंदौर के नरेंद्र से संवाद करते हुए पीएम मोदी से खुलकर कई सवाल किए और क्लाउड चैंपियन बने इंदौर के बेटे की खूब हौसला अफजाई भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद आया इंदौरी नरेंद्र का नया स्टाइल। क्लाउड बिजनेस में ख्याति कमा रहे हैं इंदौर के नरेंद्र। युवा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने की हौसला अफजाई। पीएम मोदी ने इंदौर के बेटे का बढ़ाया मान। छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले इंदौर के नरेंद्र के हौसले ने आज उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करने का अवसर दिया। दरअसल देश के युवा उद्यमियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के युवा एंटरप्रेन्योर नरेंद्र से भी खुलकर बात की। इस दौरान क्लाउड बिजनेस के चैंपियन कहे जाने वाले इंदौरी नरेंद्र का स्टाइल देखकर पीएम मोदी भी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाए। आप खुद ही देख लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी और इंदौरी नरेंद्र का यह सीधा संवाद। नरेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप बैठिए नरेंद्र जी, बैठिए, बैठ करके ही बात कीजिए। हाँ बताइए, पहले अपने विषय में बताइए, थोड़ा देशवासी जानना चाहेंगे। जी प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम नरेंद्र सेन है, मैं इंदौर से हूँ, इंदौर से गांव से हूँ, जो इंदौर में 97 में हम मूव हुए थे। और फिर मेरी रुचि सर साइबर कैफे पे काम करते करते कोडिंग सीख गया मैं, और मैंने इंटरनेट कंपनी बनाई, और हम अभी देश का क्लाउड, न्यू क्लाउड बनाया है हमने, जो देश में स्टार्टअप, MSME और लार्ज एंटरप्राइज को एम्पावर करेगा। हमारे देश का जो क्लाउड या डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, और फॉरेन क्लाउड ज़्यादा प्रचलित है। तो इसी को सोच के हमने बनाया कि हमारे देश के डेवलपर्स ने क्लाउड दूसरों के लिए बनाया, पूरी दुनिया को डिजिटलाइज किया, हमारे देश को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत, हमारे देश का क्लाउड बनाने की ज़रूरत है, और इससे हमारी इंटरनेट कंपनीज को हम ग्लोबल ले जाएंगे, और इससे जो इकोनॉमी बेनिफिट होगा वो ज़्यादा काफ़ी हाई रहेगा। इसलिए हमने न्यू क्लाउड की शुरुआत करी, और आज हम काफ़ी सक्सेसफुली इसको चला रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे जुड़ गए हैं, कस्टमर्स हमारे जुड़ गए हैं, MSMEs को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये हमारी जर्नी है। नहीं, नरेंद्र जी से नरेंद्र जानना चाहता है कि आपकी बचपन में कहाँ से कहाँ यात्रा चली, आप कैसे इस दुनिया में आ गए, थोड़ा बताएंगे? जी प्रधानमंत्री जी, बचपन में जब मैं गांव में था तो गुजरात में आपका नरेंद्र मोदी CM है, तो कुछ दोस्त बोलते थे कि नरेंद्र मोदी आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया, इस टाइप से। और मैं आपके नाम का काफ़ी एडवांटेज भी लिया मैंने, बचपन में भी लिया और अभी भी लिया, कहीं पे भी जाए तो जैसे ही बोलता है नाम सर आपका, फिर मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी, तो मुझे एक बार देखते हैं और फिर हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा क्यों में रहते हैं। तो बट स्कूल में सर पढ़ाई करी मैंने 8 तक, फिर इंदौर आ गए, इंदौर में पढ़ाई करी 12वीं तक, उसके बाद ड्रॉप आउट ले लिया और पूरा टेक्नोलॉजी में कर लिया, टेक्नोलॉजी में काम किया। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करते थे, और क्योंकि गांव से आप आए हो तो आप सबको काम करना पड़ता था, तो मैं भी काम करता था, और मैंने वहीं पे मेरा कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट, मेरा एजुकेशन कॉमर्स में था बट टेक्नोलॉजी में मेरा बहुत मन और रुचि, जैसे आपकी रुचि है। और एक इंस्पिरेशन मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब आपने NASSCOM की इवेंट में बोला था कि देश को क्लाउड गोडाउन चाहिए, और उस समय मैं क्लाउड पे काम कर रहा था, तो मुझे एकदम मोटिवेशन आ गया कि ये सेम चीज़ इंस्पिरेशन, मतलब इको हो रही है, प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे हैं, और ये एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि ये जो क्लाउड है ना, हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी और जो डेवलपर्स है, क्योंकि देश में बनाया नहीं किसी ने, क्योंकि इसके लिए बहुत कैपिटल लगता है, तो कोई हिम्मत नहीं करता कि यार नहीं ठीक है बाहर का मिल रहा है इसको यूज़ करो और आगे बढ़ो। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी है देश में, बट कोई इस पर आगे नहीं बढ़ा। बट आपकी जो प्रेरणा और इंस्पिरेशन से कहीं ना कहीं कोई गाँव में बैठा नरेंद्र इंस्पायर होता है, ये तो बात पक्की है, और वही मेरी ग्रोथ स्ट्रेटजी है सर।
अच्छा नरेंद्र जी, आपको जो डेटा सेंटर व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरणा कैसे मिली वो तो आपने बताया, चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा होगा, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, वो कैसा रहा है? सर डेटा सेंटर बहुत ही एक्सीडेंटली मैं एंटर हुआ इसमें, क्योंकि मुझे पता होता कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता तो मैं नहीं करता ये मैं बस एक जुनून था कि अमेरिका में मैं सर्वर खरीदता था और देश में स्मॉल बिजनेसेस को सर्विस देता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार हम लोग देश में बनाते हैं, अपना देश इतना बड़ा है, ज़रूरत तो पड़ेगी आगे ने पीछे। तो हमने जब चालू किया डेटा सेंटर तो एक घर से शुरुआत करी, हमारे एक ISP थे उनके घर से मैंने चालू किया पहला सर्वर रखना, फिर दूसरा 10, 100, 200। फिर बाद में पता चला DP उड़ गई, तो पता चला पावर तो पूरा चला गया है, अभी इसके लिए प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने पढ़ाई करी कि यार सिंगापुर आयरलैंड ने डेटा सेंटर पार्क बनाए, क्यों नहीं हमारे देश में डेटा सेंटर पार्क होना चाहिए, और मध्य प्रदेश एक ऐसी लोकेटेड सिचुएशन में है कि सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पर पावर सरप्लस है, तो ये डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त फिट जगह है। तो मैंने ऐसे ही लेटर लिखा, क्योंकि आप किसी को जानते तो हो नहीं, नो आपके कनेक्शन है किसी मिनिस्टर से, तो मैंने IT सेक्रेटरी सर को मेल डाला, उस टाइम पे राव सर थे, तो उन्होंने बुला लिया, बोले आ जाओ। तो मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पर ये बनाना है और ये प्रॉब्लम है, ये देश की भी प्रॉब्लम है और ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने वैलिडेट किया और कंट्री का पहला डेटा सेंटर पार्क बना, और उस दिन रियलाइज़ हुआ कि बिना पैसे के भी काम हो सकता है, जरूरी नहीं है आपके स्टार्टअप में पैसा जरूरी है, आप बस सही मन से लग जाओ। तो ऐसे मेरी चुनौतियों का सॉल्यूशन भी यहीं मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया, और बहुत सपोर्ट मिला मुझे सरकार से, राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस सपोर्ट के दम पे हमने हमारी जर्नी सर आगे बढ़ा दी। चलिए नरेंद्र जी, मुझे आपको बात कर करके अच्छा लगा, आपने काफ़ी योजनाएँ बनाई हैं और एक प्रकार से आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है, और स्टार्टअप की दुनिया में आजकल जो हमारे नौजवान रुचि ले रहे हैं, और मैंने देखा है हर कोई साहस भी करता है और सफल भी होता है, आप भी उसी में एक उदाहरण हैं। और समाज में अति पिछड़े वर्ग में से पैदा होकर के, गांव में पैदा होकर के, थोड़ा सा अगर सहारा मिल जाए तो कैसा बदलाव आता है, वो आपने करके दिखाया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू।